जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने मनाई नेताजी की जयंती। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह रहे। दमोह के सरकारी स्कूल में शराबियों का उत्पात। अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं शराबी बच्चों और शिक्षकों को होती है परेशानी। आए दिन होता है सर, यहाँ का माहौल ये ऐसा ही है, कभी बरामदे में तो कभी ग्राउंड में, मतलब ये पूरा एरिया है यहाँ का, इसी तरह की हमेशा नहीं होती है। हम तो सब लेडीज टीचर हैं तो इतना हम लोग बाहर निकल के। बिहार में कोरोना विस्फोट, 165 नए मरीज मिले, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1000 के पार। वर्ष के बच्चों को करीब 1,39,000 बच्चों को करीब 97% है और हेल्थ केयर वर्कर भी करीब 9,258 जो हेल्थ केयर वर्कर उनके अगर 7,300 का लगाया तो ये भी करीब। ग्वालियर के भीतरवार में एक मास्क अनेक जिंदगी अनेक की शुरुआत। सीएमओ ने लोगों से मास्क पहनने की अपील, कहा मास्क पहनने से बच सकती है अनेक जिंदगी। शासन और माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री महोदय के निर्देश के पालन में मास्क ही जिंदगी है, मास्क अनिवार्य है, जिसको सभी को मास्क लगाना है और अपनी जिंदगी और अपने। सांसद राकेश सिंह ने धरने को लेकर दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, कहा बहुत दिनों से मीडिया में नहीं आए थे दिग्विजय सिंह, फिर कोशिश की और सफल हुए। दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे थे, दिग्विजय सिंह जी काफी समय से मीडिया में आए नहीं थे तो आज उन्होंने कोशिश की है। राजगढ़ के होटल में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस को मिली सफलता, मुख्य आरोपी सहित 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, होटल के मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई। महीने पास में पड़ता हमारा ग्राम प्रसावदा, वहाँ की एक पीड़िता को जो अपने घर से किराना सामान लेने जा रही थी। मनवाड़ा में प्रशासन और पुलिस ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को दिया अंजाम। मामला एक शख्स द्वारा 50 से ज्यादा किसानों की उपज लेकर भागने का है, जिसके रिश्तेदारों के अवैध कब्जे प्रशासन ने हटाए। खंडवा में एक अलग बदमाश की गुंडई का मामला आया सामने, बदमाश ने विवाद के बाद एक घर और ऑटो में आग लगाकर उन्हें खाक कर दिया, पुलिस ने बदमाश की तलाश में जुटी। एक घर में बंद घर में आग लगा दी गई और एक ऑटो में भी आगजनी की इसने घटना की है। इन सभी मामलों में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इसकी तलाश कर रहे हैं। मां नर्मदा के संरक्षण के लिए सदगुरु भैया जी सरकार कर रहे उपवास, केवल नर्मदा जल पीकर कर रहे मां नर्मदा की परिक्रमा, अखंड नर्मदा सेवा परिक्रमा का लिया है संकल्प। ये अखंड नर्मदा परिक्रमा है और ये परिक्रमा मां के श्री चरणों में समर्पित है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 13,00,000 की कीमत के एक फेक मोबाइल ढूंढ निकाले, मोबाइल मालिकों को लुटाए उनके मोबाइल फोन। मोबाइल रिकवर कर रही है, आगे भी हमारे पास अभी ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने या अगले महीने तक हम 50 मोबाइल और हम उस पर वर्क करें, जिसको हम जल्दी रिकवर करेंगे उसको भी हम करेंगे। सीआरपीएफ की परीक्षा में परीक्षार्थी के बदले सॉल्वर के बैठने का मामला, पुलिस ने एक सॉल्वर को पकड़ा, 2019 का है मामला। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये तीसरा व्यक्ति अभी 2 पूर्व थाना पनिहाल द्वारा पकड़ा गया है, इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम था। मंडला जिले की बिछिया पुलिस को वन्य जीवों का शिकार करने और तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता, आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तेंदुए की खाल बरामद की।
दोनों से इलियट की खाल बरामद हुई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध में वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत विविध धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट भवन में लगने वाले कमिश्नर कोर्ट में बेतहाशा भीड़ को लेकर प्रशासन लापरवाह नजर आया। हमारी सीधी सी मांग ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रशासन जब गाइडलाइन बार बार जारी कर रहा है, उसके बाद में अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो खुद ही नहीं कर रहा है तो ये सवाल के निशान खड़ा करता है। कोतवाली थाने में हंगामा करने वाली महिला आरक्षक पहुंची एसपी ऑफिस, अपनी बात से पलटी महिला आरक्षक, अपने बयान दर्ज कराए। एक महिला आरक्षक के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से बरही थाने से लाइन अटैच कर दिया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए गोलीकांड के आरोपी अकबर ने पुलिस की हिरासत से भागने का किया प्रयास, पुलिस की गोली से हुआ घायल, उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 21 जनवरी की घटना है। 21 जनवरी को थाना माड़ा चौक अंतर्गत एक 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें भाटों के वास्ते गोली चलाकर तीन आरोपी फरार हुए थे। उसी में तीनों आरोपी अकबर घोषी और उसके अन्य दो साथियों की पुलिस तलाश कर रही थी, तीनों पर ही 10,000 का। पन्ना जिले में लगातार धान के घोटाले आ रहे सामने, एसडीएम ने पकड़ी उत्तर प्रदेश की 700 क्विंटल धान, एसडीएम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। विश्वविद्यालयों की ऑफलाइन परीक्षाओं को हाईकोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पूछा, कोरोना संक्रमण के बीच क्यों करवाई जा रही ऑफलाइन परीक्षाएं? एक दिन कोरोना के पिछले 24 घंटे में 10,550 नए पत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। जब तक ठीक होके अपने घरों की। खंडवा में चार दिन पहले सिलसिलेवार आगजनी सहित 5 घटनाओं को अंजाम देकर फरार अपराधी को पुलिस ने फैजूर से किया गिरफ्तार। अपराधी पर हत्या, लूट, आगजनी, सट्टा, आबकारी एक्ट और छेड़छाड़। थाना कोतवाली गणेश तलाई एरिया के कोड़िया हनुमान मंदिर के रहवासी क्षेत्र में एक बंटी उपाध्याय नाम के एक आदतन बदमाशी ने लगातार अपराधी घटनाएं करके और नागरिकों को के विरुद्ध अपराध कायम किया था, कारित किया था। पीएम आवास योजना से वंचित लोगों ने नगर परिषद में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने नगर परिषद के सीएमओ भूपेन्द्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीएमओ और नागरिकों के बीच जमकर हुई बहस। आज नगर परिषद का घेराव किया था आपने? हाँ, सभी लोगों ने मिलकर के नगर परिषद का घेराव किया था। हमारे और मैटर पे हुआ था, मैटर पे हुआ है की जो 5 लोग उत्साहित थे, जिन लोगों का भी सूची में नाम आया है, उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो पात्र। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर पर आरोप, विभाग की महिला कर्मचारी बोली, देर रात को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजकर कार्रवाई करने की देते हैं धमकी। एसपीओ कलेक्टर से की नाई की गुहार। कल मैं नाइट में आया, उसके बाद मेरे घर से फोन आने लगे कि यहाँ पे कर्मचारी भी एकदम मेरे दुआ के ससुराल पक्ष से रिलेशन में, उन्होंने उनको फोन लगाकर कहा कि ऐसा कर रहे हो, हम इनको कहीं झूठा फंसा देंगे। या शराबी से दो युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल, गाली गलौज से बात मारपीट पर पहुंची, तमाशबीन बने रहे लोग। बारहवीं कक्षा के दर्जन भर छात्रों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, रॉड और डंडे से हुई लड़ाई, विवाद में एक छात्र हुआ गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में कराया भर्ती। कार से गांजे के अवैध परिवहन करते 3 क्विंटल 86 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, उड़ीसा से मेरठ ले जा रहे थे गांजे खपाने।
कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ा बुरा असर। मार्च में होना है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। जिला कलेक्टर ने बच्चों के लिए बनाया डे प्लान। पाठ्यवस्तु को 9 इकाई में डिवाइड करके उनको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सूचित किया गया है।